ये मेरी कुछ मलाई खट्टी हो रखी थी एक हफ्ते की, इसमें मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है और इसको ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने में 5 मिनट का टाइम लगता है मोस्टली बस। और उसके बाद अब धीरे धीरे देखो मक्खन बनने लगा है। अब बस ऐसे ही मक्खन जो है रेडी हो जाएगा। तो बस अभी मक्खन रेडी हो चुका है, मतलब बन चुका है। अब इसको निकालना है बस। अब ठंडे पानी में इसको मैं निकाल लूँगी ताकि ये फिर अच्छे से साफ़ हो जाए। अब ये देखिए आप, मक्खन एकदम अच्छे से बन चुका है मेरा। अब ये मक्खन थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ही बना है। बन चुका है हमारा होममेड मक्खन मेरा, तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी में बना है, तो मैं तो इसका भी कुछ नहीं करने वाली हूँ, ऐसे यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहो, अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में है तो फिर आप लोग अगर चाहो तो इसको कढ़ाई में डाल के गर्म करके घर का घी भी बना सकते हो। लेकिन मैं अभी इसका घी भी कुछ नहीं बनाने वाली, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ही है। इसको हम लोग रोटियों पे लगा लगा के ऐसे ही खाने वाले हैं, ऐसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो। थैंक यू सो मच।